आज भी आलमगीर से पूछताछ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर आलमगीर अहम से पूछताछ जारी है। दूसरी बार ईडी की रिमांड पर है मंत्री आलमगीर। तो आज भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरे रिमांड के दौरान आज पूछताछ का दूसरा दिन है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है कमीशन खोरी के नए सबूत। तो 24 मई को पूछताछ के लिए मनीष रंजन को बुलाया गया है। ईडी को मनीष रंजन के बाद गुप्ता की तलाश। तो बता दें कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को दिए गए रुपए के अलावा पैसे पहुंचाने वाले का नाम भी उजागर किया है। कमीशन और उसमें मंत्री के हिस्सेदारी को लेकर एक नए एक्सेल शीट को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, जिसमें एक्सेल शीट के लिए एक कॉलम में टेंडर की राशि, कुल कमीशन और मंत्री के कमीशन का ब्यौरा दिया गया है। जबकि डायरी के एक पन्ने पर सबसे ऊपर लिखा है साहब को देना है 2.50। तो यानी डायरी के पन्ने में रुपए से भरे बैग का रंग और उसे लाने वाले का नाम जो है वो लिखा गया है। और रांची से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर से दूसरी बार सवाल और जवाब का सिलसिला यहां पर आलमगीर आलम से, और आज पूछताछ का दूसरा दिन है। क्या कुछ आज रहने वाला है, अपडेट बताइएगा। होल्ड पर रखा है। तो दूसरी बार ईडी की रिमांड पर है मंत्री आलमगीर आलम, और आज भी ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो दूसरे रिमांड के बता दें कि आज दौरान आज पूछताछ का दूसरा दिन है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कमीशन खोरी के नए सबूत जो हैं वो यहां पर रखे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार आलमगीर आलम पर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो टेंडर कमीशन घोटाले में आज भी आलमगीर से पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि दूसरा दौर जो है वो रिमांड का यहाँ पर शुरू हुआ है, और संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, इस पूछताछ को लेकर आज भी लगातार जो सिलसिला है सवाल जवाबों का जारी रहेगा, क्या अपडेट सामने आ रहा है? आसमान देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होता नजर नहीं आ रहा। और अब तक जो सबूतें मिले हैं, जो लगातार ईडी को सबूत हाथ लगे हैं, उसके आधार पर सिर्फ आलमगीर आलम ही नहीं बल्कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी, ऐसे कई बिल्डर, ऐसे कई ठेकेदार, वो भी ईडी के राडार पर आ चुके हैं। हालांकि देखिए, पूछताछ का सेकेंड ये रिमांड का आज सेकेंड डे है, पूछताछ का यानी दूसरा दिन है, और आज भी आलमगीर आलम से पूछताछ का सिलसिला शुरू है। सुबह से ही लगातार पूछताछ हो रही है, और आपने देखा कि अब तक जो ईडी को पर्याप्त सबूतें मिली हैं, जो डायरियां मिली है, डायरियों में मेंशन है कि किसे किसे पैसे दिए गए हैं। अगर जो व्यक्ति पैसा लेके आ रहा तो उस व्यक्ति का बैग का कलर क्या है, कितने अमाउंट है, इसके अलावे किसे पैसे देने हैं, उन तमाम चीजें डायरी में मेंशन किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेंडर घोटाले, टेंडर मैनेज में और जो पैसे बरामद हुए हैं, जो डायरियों में नाम है, उसमें विभाग के पूर्व आईएएस अधिकारी यानी पूर्व सेक्रेटरी मनीष रंजन का भी नाम है। और मनीष रंजन से पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी कर दिया है। पूछताछ के लिए कल मनीष रंजन को ईडी दफ्तर आना है। इसके अलावा ईडी को एक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति की तलाश है, क्योंकि इस डायरी में सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन गुप्ता ने ही किया है। तो ये तमाम चीजें जिस तरह से ईडी को डायरी हाथ लगे हैं, उस डायरी में इसे जो सबूतें मिली हैं, उस सबूत के आधार पर कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम को जेल हो सकती है। बिल्कुल, कल मनीष रंजन से क्या पूछताछ होगी, क्या सवाल यहाँ पर दागे जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ जिस गुप्ता नाम के शख्स की तलाश की जा रही है, उसकी तलाशी के लिए किस तरह से जो टीमें हैं वो लगातार तलाश में जुटी हैं, और साथ ही अभी कोई जानकारी सामने आई है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, पुलिस को माफ कीजिएगा, ईडी को ऐसे कई जानकारियां हाथ लगी है, और आपने देखा है कि जिस तरह से जो डायरियां हैं और जिस तरह डायरियों में जो मेंशन है, और जिस तरह से जहांगीर आलम जो एक घरेलू नौकर ने जो खुलासे किए हैं, उस खुलासे में कई लोगों के नाम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेन देन के पैसे हैं वो जहांगीर आलम के घर में हुआ करती थी, और वो डायरी भी जहांगीर आलम के घर से ही बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ईडी को एक डिवाइस मिले हैं, डिवाइस में भी ऐसे कई जानकारियां हैं। इसके अलावा जो एक्सेल शीट बरामद हुई है, उस एक्सेल शीट में पूरी तरह से लेन देन का विवरण है, ब्यौरा है, किस व्यक्ति को कहाँ पे टेंडर दिए गए हैं, उस टेंडर के उस टेंडर को लेकर किसे कितने पैसे भेजे गए हैं, वो तमाम चीजें मेंशन यानी ठीक है। नए सबूत भी जारी कर दिए गए हैं, और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, और क्या अहम खुलासे होते देखना होगा। फिलहाल सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो दूसरी बार ईडी के रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम।